18वीं लोकसभा में विपक्ष की बढ़ी हुई ताकत का अंदाजा मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट सत्र में ही लग गया है। दोनों सदनों में विपक्ष के तीखे तेवर और सरकार का अपेक्षात्मक नरम रुख से आंकड़ों के अंतर का असर साफ दिखाई दिया। इसका असर आने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर भी पड़ सकता है, जिसमें भाजपा और राजग की 2 सरकारें दांव पर होंगी। इसमें एक अहम चुनाव जम्मू कश्मीर का भी होगा, जिस पर देश दुनिया की निगाहें रहेंगी। नई लोकसभा में विपक्ष ने अपनी ताकत का एहसास कराया, वहीं सरकार ने पूरी कोशिश की कि आंकड़ों में कमी आने के बावजूद उसकी निरंतरता बरकरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पहली बार लोकसभा में नेता विपक्ष मिला है। इसने विपक्ष को ताकत दी और उसने इसका एहसास भी कराया। दूसरी तरफ बहुमत से दूर भाजपा ने गठबंधन सरकार की मजबूती के लिए अपने दोनों बड़े साथियों जेडीयू और टीडीपी को राजनीतिक के साथ बजट के जरिए भी साधा है। विपक्ष में खास बात यह रही कि इंडिया गठबंधन की मजबूती तमाम अंतर विरोधों के बावजूद बनी रही। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नजदीकी और बढ़ी, गांधी और बच्चन परिवार भी नजदीक दिखे। राज्यसभा में सत्ता पक्ष और सभापति से टकराव के मुद्दे पर सपा सांसद जया बच्चन के साथ सोनिया गांधी भी खड़ी दिखी। सोनिया गांधी इस बार राज्यसभा सांसद है। संसद के अगले सत्र के पहले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें हरियाणा में भाजपा की अपनी और महाराष्ट्र में वह गठबंधन सरकार में सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में उसके सामने दोनों सरकारों को बरकरार रखने की बड़ी चुनौती है। दोनों राज्यों में लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लग चुका है। यह भी संदेश गया है कि भाजपा पहले जैसी मजबूत नहीं है, क्योंकि राज्यों में लोकसभा चुनाव की तरह मोदी का चेहरा भी नहीं होगा। ऐसे में भाजपा को नए तरीके से रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ विपक्षी दल गठबंधन में और अलग अलग भी ज्यादा उत्साह से भरे होंगे। झारखंड में विपक्षी गठबंधन सरकार है, वहां पर उसे बरकरार रखना भी उसके लिए चुनौती होगा। हालांकि झामुमो नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, रिहाई, मुख्यमंत्री पर छोड़ना, फिर से मुख्यमंत्री बनने जैसी घटनाएं वहां की राजनीति को प्रभावित करेंगी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार राज्य विधानसभा के चुनाव होंगे। यह चुनाव वहां की स्थिरता के लिए काफी अहम साबित हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।